अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत देर से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, तकरीबन 12 बज रहे हैं। अभी आमना को लेने जा रही हूँ। आज सुबह भी आमना बहुत रो के गई है, क्योंकि 3-4 दिन स्कूल नहीं गई थी, तो आज बहुत तंग कर रही थी। बाबा बता रहे थे उनके कि स्कूल में भी जाकर रो रही थी कि मैंने अंदर नहीं जाना। अभी रास्ते में हूँ, फिर उधर जाके थोड़ा सा शूट करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मोबाइल धूप में मुझे नज़र भी नहीं आता कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज बहुत देर से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, तकरीबन 12 बज रहे हैं तकरीबन। सुबह से बस काम में मसरूफ़। आज आमना भी स्कूल गई है, अभी आमना को ही लेने जा रही हूँ। आज उनकी प्रिंसिपल से भी मिलना है, फिर दोबारा उनको आमना को ले आऊँ, फिर आपसे मिलती हूँ आगे। यहाँ पे कोई रिक्शा भी नहीं खड़ा, बल्कि वो एक खड़ा हुआ है। अभी इसमें सवारियाँ भी नहीं पूरी, सवारियाँ पूरी होंगी तो फिर ये चलेंगे भाई साहब। अब देखा इधर कितना टाइम लगता है मेरा। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी बच्चों की तस्वीर लगी, और ये झूला पड़ा है, छोटे बच्चे इसमें झूला लेते हैं। ये स्कूल का हिस्सा है अंदर वाला। अभी आमना का वेट कर रही हूँ मैं। ये देखिए आमना आई है, तो आमना कहती मैंने पहले झूला लेना फिर घर जाना। चलो आमना, आमना अरे मम्मा थक गई हैं, अब आ भी नहीं रही। देखे बेबी कितना तंग कर रहा है अपनी मामा को। क्या आप लोग भी ऐसे अपनी मामा को सब तंग करते हैं? अभी बेबी कह रहा है कि मैंने दूसरे रिक्शे पे बैठना जाना, हमने और साइड पे है, और बेबी कह रहा है कि मैंने दूसरे रिक्शे पे बैठ के दूसरी साइड पे जाना है। अभी हम सोसाइटी के गेट पे तो इंटर हो गए हैं, ये देख लें हैं, बस घर पहुँच जाएंगे 10-15 मिनट तक। इधर से काफ़ी दूर है घर हमारा, फिर घर जाके आपसे दोबारा मिलते हैं। ठीक है आमना? नहीं मिलना? अच्छा चलो, आमना ने नहीं मिलना और आमना की मम्मा ने तो मिलना है। दो शूज है वो बाद में उठाती हैं। आज पढ़ा था आपने कुछ? दरवाजा ना बंद करो, अब बेबी वाले कार्टून देख लो। ये किसने दिया था? आपने पानी नहीं पिया? आमना रास्ते में बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बार बार बैठ रही थी, थक जाती है बेचारी, इतनी दूर से पैदल चल के आती है, थक जाती है। और इधर देखे आमना बैठी, सुबह इसको मैंने ना लंच दिया था, नूडल्स बना के दिए थे, इसको पता नहीं चला कि मैंने बैग के अंदर पड़ा हुआ, तो इसने खाई नहीं है। और पानी वाली बॉटल भी इसी तरह फुल है इसकी। और बाहर मैं खाना बना रही हूँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, दे रही हूँ आमना एक मिनट वेट करो बेटे। ये देखे धूप है इधर, लेकिन खाना तो बनाना है।
तो वो सब्ज़ी का कहा था इसके बाबा को, वो उनको आज टाइम नहीं मिला सब्ज़ी लेके आने का। फिर मैंने कहा चलें दाल ही बना देती हूँ। ये आमना जिद कर रही है, कहती है मोबाइल दे दे, मैंने इसने कार्टून देखने होते हैं फिर ही कुछ खाना होता है, कार्टून ना देखे तो फिर कुछ खाती भी नहीं। अभी क्या बाय आमना कहती है बाय, चलें फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। क्या कर रहे हैं तुम्हारा क्या वीडियो चैनल देख रहा था। मेरा चैनल तो ये है जिसपे आप बोल रहे हैं, सही तरह बोले ना। वो पहले लोग कहते हैं कि कैमरा सही नहीं आता, मतलब कि तस्वीर सही नहीं आती है। तस्वीर इधर से आपने वो ये लाइट ऑन किया करो ना, अभी इसको बंद। हाँ जी अशोक, क्या कर रही हो? मेरा मुंह क्यों आ रहा है? आने दो, कोई बात नहीं। तुम आ, मैं आ सकता हूँ, तुम नहीं आ सकती? हाँ आ सकती, फिर पता है ना लोगों का आपको। लोग तो बहुत, फिर घर में बैठे भी तो मैं बहुत कुछ कह देते हैं। अच्छा आप YouTube वालों को क्या कहेंगे जो हमें देखते हैं लोग? उनको कहेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वो क्या होता है, जब बेगम घर में ना हो तो फिर मियाँ क्या करें? बेगम घर पे ना हो तो दूसरों के साथ वीडियो कॉल पे बात करें। फिर जब बेगम आ जाए तो फिर क्या हो? फिर फौरी तौर पे बंद करें, नहीं तो बड़े जूते पड़ते हैं। हम सौदा लटका रहे हैं मोटरसाइकिल के साथ, उसके बाद फिर आगे कुछ लेना, फिर चलते हैं। ये देखें मियाँ साहब यहाँ पे फिल करवा रहे हैं, सारा सौदा मियाँ साहब ने लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैं वैसे ही खड़ी बस वीडियो बनाती रही हूँ। ये देखें अमरूद हमने लिए हैं, और इधर अमरूद देखे कितने बड़े बड़े अमरूद, माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे अमरूद पड़े हुए हैं। मैं लेने लगी थी प्याज तो मियाँ साहब ने कहा तुम पीछे हटो, मैं खुद बैठ के करता हूँ। देखें मियाँ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जितना कह दो उतना ही थोड़ा है। टमाटर भी लेने, ये टमाटर पड़े अभी मियाँ साहब कह रहे आप खड़ी हो जाओ, मैं खुद ही सारी चीज़ें ले लेता हूँ, और चीज़ें ले कर फिर मैं रात में मैं आपसे मिलती हूँ। मियाँ साहब आलू ले रहे हैं, और क्या लेना है मियाँ साहब? प्याज लेने। प्याज, प्याज किधर? शापुर उधर पड़ा हुआ है, ये देखो शापुर उठा रही हूँ। शापुर उठने के बाद अभी प्याज लेने लगी हूँ। अच्छा आप YouTube वालों को क्या कहेंगे जो हमें देखते हैं लोग? उनको कहेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या होता है, जब बेगम घर में ना हो तो फिर मियाँ क्या करे? बेगम घर पे ना हो तो दूसरों के साथ वीडियो कॉल पे बात करें। फिर जब बेगम आ जाए तो फिर क्या हो? फिर फौरी तौर पे बंद करें, नहीं तो बड़े जूते पड़ते हैं। अब लोग देखेंगे इसको। मैं हमें सतारा याद, ये देखे मैं मार्केट से जब गई थी तो पालक ले गई थी, तो अभी पालक उबाइल हो रही है, आलू पालक सुबह इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। धुंधली धुंधली पता नहीं क्यों आ रही वो ना, पालक के अंदर से धुआं निकल रहा है, कैमरे पे पड़ रहा है, तो इस वजह से सही दिखाई नहीं दे रही थी। चले कुछ तो गुजारा हो गया, अब चूल्हा भी बस तेज़ नहीं करना क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद पढ़ाने जाऊँगी, पढ़ाने के बाद आके फिर आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह। पालक का चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया है, मेरे मोबाइल का बहुत ही मसला बन रहा है, पता नहीं क्या मसला है इसको। पालक का भी चूल्हा मैंने बंद कर लिया और नमाज भी पढ़ ली है, पढ़ाने जा रही हूँ, शायद बच्चे नीचे आ गए हों, देखती हूँ उनको जाके, फिर मोबाइल उनको देती हूँ, खुद पढ़ा के आती हूँ, फिर एंड तो बच्चे ही करेंगे, तो ठीक है फिर हम बाद में मिलते हैं। देखें जी लाहौर का मौसम इतना माशाल्लाह इतना प्यारा है, और हवा भी इतनी मज़े की है, और मौसम बहुत ही अच्छा, दुआ करें बारिश हो जाए। और मैं तो डर ही गया था कि बारिश हो जाए, और
अच्छा सा मौसम हो जाए। मौसम बहुत ही प्यारा है, मौसम बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। तो देख सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन कमेंट्स कर दीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स तो मैं ऑफ ही रखता हूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक लिए खुदा हाफिज़।